सुनिए। अच्छा सबस्ट्रेट ले लिया मैंने ब्यूट टू ई, ब्यूट टू ई, और इसको मैं किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं? Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। मैं फिर बता रहा हूं ये अनसैचुरेशन टेस्ट में भी आता है रिएक्शन, और यही रिएक्शन आपका एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी आता है। और पर्टिकुलरली कौन से टाइप के एल्काइल हैलाइड? भले अगर मैं HBr का एडिशन करता सर, एक ही Br जुड़ता ना। अच्छा अगर मैं दोनों के दोनों Br के साथ ट्रीट कर रहा हूं, तो आप दोनों के दोनों Br के साथ ट्रीट करने पे दोनों Br जुड़ेंगे, इसका मतलब कौन सा एल्काइल हैलाइड बनेगा? डाई हैलाइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? डाई एल्काइल हैलाइड्स बनेंगे, ठीक है ना? डाई एल्काइल हैलाइड्स बनेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना जो डाई एल्काइल हैलाइड बनेंगे। बड़े तो को बनाना आएगा, तो बहुत सिंपल सा है, या इस तरीके से, ठीक है? एक Br यहां भी जोड़ दिया मैंने, और एक Br यहां पे जोड़ दिया, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, ठीक है? कहानी इतनी सी है, बस इसमें और चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा ये जो मैंने दोनों Br ऐड किए, अब क्योंकि दोनों Br अगल बगल वाले कार्बन में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड, राइट? दिस इज विस डाइहैलाइड, दिस इज विस डाइहैलाइड। अगर दोनों सेम पे होते तो जेम डाइहैलाइड बनता, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड। इसका दूसरा नाम एल्काइलीन डाइहैलाइड, राइट? दिस इज एल्काइलीन डाइहैलाइड, ठीक है? अब देखना इसी को मैं यहां पे जोड़ रहा हूं, इसी पे एक और सवाल आता है, इसी को यूज किया जाता है अनसैचुरेशन टेस्ट में। दोनों बढ़िया से डिसॉल्व हो पाएंगे, और ये भी कलर्ड, ये सॉल्यूशन जो आपका, ये सॉल्यूशन आपका कलर्ड होता है, दिस सॉल्यूशन इज कलर्ड, दिस सॉल्यूशन इज आल्सो कलर्ड, ठीक है? दोनों के दोनों सॉल्यूशन कलर्ड, दोनों टेस्ट ट्यूब कलर्ड, दोनों टेस्ट ट्यूब, और इसमें है क्या? Br2CCl4। अब मैं क्या कर रहा हूं सर, इस वाले टेस्ट ट्यूब में मैं ऐड कर देता हूं एल्कीन को, क्योंकि मैं एल्कीन ही बता रहा हूं, इसलिए सिर्फ एल्कीन ही लूंगा, तो एल्काइन में भी सेम रिएक्शन होता है। और इस वाले टेस्ट ट्यूब में मैं ले लेता हूं एल्कीन को, इधर मैंने एल्कीन ऐड कर दिया, लेट्स से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर मैंने एल्कीन ऐड कर दिया, इधर मैंने एल्कीन ऐड कर दिया। अब आप क्या देखोगे थोड़ी देर के बाद, ये वाले टेस्ट ट्यूब में, इसको मान लो ए टेस्ट ट्यूब रख लेता हूं, इसको मैं बी रख लेता हूं, ये जो बी वाला टेस्ट ट्यूब था सर, इस बी वाले टेस्ट ट्यूब में थोड़ी देर के बाद कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये डीकलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीकलराइज। ये कलर से कहां आ जाएगा? कलरलेस में। पहले कलर था, अब क्या हो जाएगा? अब कलरलेस हो जाएगा। पहले कलर था, अब क्या हो गया? कलरलेस। लेकिन इस वाले में आप देखोगे, पहले वाले केस में नो कलर चेंज, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। देखिए ऐसा क्यों होगा, इसको ध्यान रखना, ये Br2 और CCl4 यूज होता है, इसका सोल्यूशन यूज होता है ये टेस्ट करने के लिए कि आपके सैंपल में डबल बॉन्ड था या नहीं, आपके सैंपल में पाई बॉन्ड था या नहीं था, आपके सैंपल में अनसैचुरेशन था या नहीं था। अनसैचुरेशन इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट? मल्टीपल बॉन्ड। अनसैचुरेशन का मतलब मल्टीपल बॉन्ड। अगर आपके सैंपल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा, और उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले सैंपल को, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, अगर मैं Br2CCl4 के सोल्यूशन में जो कि कलर्ड होगा ऐड करूं, तो ये क्या कर देगा सर? यहां से जो दो Br है ये Br किधर ऐड हो जाएंगे? इन दोनों कार्बन पे एडिशन रिएक्शन होगा। मतलब ये बनेगा क्या? इसके बाद क्या बनेगा सर? ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, इधर भी ऐड हो जाएगा एक Br, एक Br इधर ऐड हो जाएगा और एक Br इधर ऐड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये Br2 ब्रेक करेगा, जैसे ही Br2 ब्रेक करके इसमें जुड़ गया, जो कलर था सॉल्यूशन में, ध्यान देना जो सॉल्यूशन में कलर था इसकी वजह से था, जो सॉल्यूशन में कलर था वो Br2 की वजह से था। तो Br2 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, इस Br2 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कलर था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कलर था, ठीक है ना? इसके एमो डायग्राम्स भी समझ सकते हो, इसके एमो डायग्राम्स बनाए ना, तब भी समझ में आ जाएगा कैसे कलर रहा होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से Br2 में। लेकिन जब ये Br2 टूटा और दोनों में स्प्रेड हो गया, अब इसने कलर छोड़ दिया, अब ये कलर, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होंगे, अब ये कलर नहीं दिखाएगा, तो कैसा हो जाएगा? कलर सर, अगर कलर बदला मतलब डिस्चार्ज हो गया, कलर सिंपली बदलेगा नहीं, कोई और कलर नहीं आएगा, सीधा कलरलेस हो जाएगा। अगर कलरलेस हो गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो सैंपल हमने ले रखा था वो क्या था, या तो एल्कीन या तो एल्काइन, वो अनसैचुरेटेड था। वो कैसा था? क्योंकि अनसैचुरेटेड वालों पे ही एडिशन रिएक्शन हो सकता है, लेकिन अगर सैंपल एल्केन रहा होगा उस टाइम पे कलर डिस्चार्ज
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपका इस पे कोई एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है. एल्केन्स एडिशन रिएक्शन नहीं देते, नो एडिशन रिएक्शन, इन पे एडिशन रिएक्शन नहीं होता, ध्यान देना, इन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन नहीं होता. एडिशन होने के लिए पाई बॉन्ड चाहिए, इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है, इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा. अगर एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, ये Br2 और CCl4 का कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, तो समझ में आ जाएगा कि आपके पास जो सैंपल रहा होगा वो कौन सा होगा. सैंपल जो रहा होगा वो एल्केन रहा होगा. कैसा रहा होगा? सैचुरेटेड. कैसा रहा होगा? सैचुरेटेड रहा होगा. ठीक है. अच्छा, सेम कहानी अगर मैं सेम कहानी बेंजीन के साथ बिठाऊं, जरा बताइएगा, सेम कहानी अगर मैं बेंजीन के साथ बिठाऊं, सर बेंजीन को भी ऐड करने पे कलर डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि बेंजीन भी रिएक्शन नहीं देता Br2 और CCl4 के साथ. बेंजीन मेजॉरिटी में एडिशन रिएक्शंस नहीं देता. इसमें पाई बॉन्ड था, बट ये अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देगा, ये Br2 और CCl4 वाला टेस्ट नहीं देगा. ठीक है ना, ध्यान देना, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा. तो पहला टेस्ट है डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ डबल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए. ये प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में भी आता है और अनसैचुरेशन टेस्ट में भी आता है. दैट इज एल्कीन्स हैव टू ट्रीटेड विद, वी हैव टू ट्रीट एल्कीन्स विद डाइहैलोजन्स इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 विसिनल डाइहैलाइड्स ऑफ फॉर्म, विसिनल डाइहैलाइड्स ऑफ फॉर्म. ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. और ये जो विसिनल डाइहैलाइड्स बनेंगे, जो विसिनल डाइहैलाइड्स बनेंगे, ये कैसे होंगे? कलरलेस. ये कैसे होंगे? कलरलेस. और इनिशियली जो रिएजेंट हमने ले रखा होगा, सॉल्यूशन ले रखा होगा, वो सॉल्यूशन कलर्ड होगा, सॉल्यूशन. और ये जैसे ऐड कर दिया इस सॉल्यूशन में, इसके साथ ट्रीट कर दिया, इसने कलर को डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि ये Br और Br के बॉन्ड को तोड़ेगा. जैसे Br का बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उसमें बंद हो जाएगी, आप कलर नहीं दिखाएंगे. तो आपके पास क्या बनेगा? विस डाइहैलाइड. क्या बन जाएगा? विस डाइहैलाइड. ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अब सुनना कहानी सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं लिख लेता हूँ पहले. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेम रिएक्शन में अब मुझे बता दो, ये जो मैंने सबस्ट्रेट ले रखा है, ये सबस्ट्रेट दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. बताइए सबस्ट्रेट क्या था? Br2-ईन. बताइए Br2-ईन कौन से दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, कौन से दो GI में एग्जिस्ट करेगा, कौन से दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एग्जिस्ट करेगा? सर एक सिस और दूसरा ट्रांस. बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, इस पर सवाल नहीं आया इससे पहले, लेकिन पॉसिबिलिटी है सवाल बनेगा. सो जब ये सिस होगा और जब ये ट्रांस होगा, उस टाइम पे किस टाइप के प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे, कितने टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा. ठीक है ना, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं थोड़ी सी स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूंगा, स्टीरियो आइसोमर्स की, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात. ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, पहले सिस कंसिडर कर लेता हूँ, उसके बाद ट्रांस कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है, बताइए ये सबस्ट्रेट जो मैंने ले लिया, दिस इज Br2-ईन, ये सिस है या ट्रांस है? चलो बीस सी एच थ्री इधर, सी एच थ्री इधर, सेम साइड पे, तो सिस है. ठीक है सर, सिस है, दिस इज सिस Br2-ईन, ये है सिस Br2-ईन. किसके साथ मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं? Br2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. ठीक है, अगर मैं यहां पे H2 लेता ना, पोलर सॉल्वेंट ले लेता ना, फिर क्या होता सर, एक जगह पे Br ऐड होता जाता, एक जगह पे OH ऐड हो जाता, फिर एल्कोहल बनते हैं, ध्यान देना, अगर इस CCl4 की जगह पे जो आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसकी जगह पे वाटर पोलर सॉल्वेंट ले लेता, फिर एक जगह पे OH ऐड होता है, एक जगह पे Br ऐड होता है, फिर एल्कोहल बनते हैं. लेकिन अभी क्या बनेगा, दोनों जगह पे Br ऐड होंगे तो विस डाइहैलाइड बनेंगे. क्या बन जाएंगे? विस डाइहैलाइड. जो मैं लिखने वाला हूं उसको याद रखना, जब सिस एल्कीन पे या सिस जो हमने ले रखा Br2-ईन पे Br2 का एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये एंटी एडिशन होगा. कैसे एडिशन होगा? एंटी एडिशन. बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, एंटी एडिशन का मतलब अगर एक Br अबोधी प्लेन जुड़ रहा है, दूसरा Br विलोपित प्लेन जुड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक Br अबोधी प्लेन जुड़ रहा है तो दूसरा, अगर एक सॉलिड वेज से दिखा रहे हो तो दूसरे को डैश वेज से दिखाओगे, और फिशर में दिखाओ तो और बेहतर. देखिए एंटी एडिशन होगा, कैसा एडिशन होगा सर, अगर एंटी एडिशन होगा तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो एनेंशियोमर्स बनेंगे. देखिए कैसे दो एनेंशियोमर्स बनेंगे, मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बना लेता हूं. ध्यान देना, फिशर प्रोजेक्शन से समझ में आ जाएगा आपको. बताइए इस पूरे में कितने कार्बन? चार कार्बन, सही है ना, चार कार्बन. ठीक है, तो टॉप पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3. ठीक है, इधर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन. इधर भी क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, सही है ना. अब बताइए डबल बॉन्ड को जब मैं रिड्यूस करूं तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के बाद दोनों जगह पे क्या आएगा? Br. लेकिन आएगा कैसे सर? एंटी एडिशन होगा. इसका मतलब अगर आपका इस वाले पे, मान लीजिए ये देखना ध्यान से, इसको देखना ध्यान से, दिस इज कार्बन 2, मैं ऐसा लिख देता हूं, कार्बन 1, कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4. कार्बन 1 पे CH3 लिख दिया मैंने, अच्छा कार्बन 2 पे क्या प्रेजेंट था? एक हाइड्रोजन. और अब डबल बॉन्ड रिड्यूस होने के बाद क्या आएगा?
बी आर क्या जाएगा बी आर। तो मान लो मैं क्या लिख देता हूं, मैंने यहां पर हाइड्रोजन लिख दिया या हाइड्रोजन, और इसी कार्बन के क्या आएगा बी आर, उस बी आर को मान लो मैं इधर लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने बी आर, ठीक है। ये किस वाले पे आया सेकंड, बताइए थर्ड पे क्या होगा, थर्ड पे क्या होगा सर, थर्ड पे फिर से क्या होगा हाइड्रोजन और बी आर होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, हाइड्रोजन और बी आर होगा क्योंकि एडिशन एंटी एडिशन है, तो बी आर अगर दूसरे कार्बन पे राइट साइड पे था फिशर प्रोजेक्शन में, तो तीसरे पे कहां पे होगा लेफ्ट साइड पे। इसी को आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से कैसे दिखा सकते हो, अगर फिशर में ना दिखाओ, अगर फिशर में ना दिखाओ और आप दिखाना चाहो इसको मान लीजिए सा हॉर्स में दिखाना चाहो, फिर आप कैसे बनाओगे, सॉलिड बेस और डैश बेस से, सॉलिड बेस और डैश बेस से बनाओगे, ठीक है। यहां पे क्या आएगा हाइड्रोजन, यहां पे क्या आएगा हाइड्रोजन, एक पॉसिबिलिटी तो ये, एक पॉसिबिलिटी तो ये। अच्छा अब इसको मैं मिरर के सामने रखूं सर, अब मैं इसका अगर मिरर इमेज बना दूं, बताइएगा क्या इसका मिरर इमेज बनेगा, देखना ध्यान से, मिरर इमेज तो बनेगा, अब देखेंगे क्या मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा या नहीं करेगा, ध्यान देना। ये सीरीज़ ऐसी दिखेगा मिरर में, ये भी, ये जो सेकंड कार्बन में बीआर राइट में दिख रहा है ये कहां दिखेगा, बहुत अच्छी है, ये दिखेगा लेफ्ट पे, ये बीआर इधर दिखेगा, सही है ना, ये बीआर इधर दिखेगा। अच्छा इसको मिरर को अच्छे से बना देता हूं, ये बीआर दिखेगा आपको लेफ्ट में, बताइए ऐसे दिखा दूं, मैं समझ जाना है मिरर था ना, मिरर इमेज बना रहा हूं इसका, ओके बीआर दिखेगा यहां पे और ये वाला बीआर कहां पे दिखेगा, मेरा ना राइट जो लेफ्ट पे दिख रहा है वो राइट पे दिखेगा, ये तो इधर ही जाना ही समझ आएगा, ठीक है ना, इसको लो लेफ्ट राइट हैंड, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। अच्छा अब देखिए क्या ये सेम थे या डिफरेंट थे, आप इसको देखने के दो तरीके होते हैं सर, एक तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देख लिया जाए कि वेदर आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन बदला तो आपका एनेंटियोमर होगा, ठीक है ना, नहीं बदला सेम सेम होगा तो डायस्टीरियोमर्स होगा, और डायस्टीरियोमर्स आपके पास नॉन मिरर इमेज आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को यहां से उठाऊं, इमेजिन कीजिएगा इस पूरे मॉलिक्यूल को उठा के सुपरइंपोज करूं, सबसे सिंपल क्राइटेरिया होता है टेस्ट करने का, ठीक है ना, दो कभी-कभार लगता भी नहीं, हो सकता आरएस सेम आ जाए कभी-कभार, मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को यहां से उठा के इस पे बिठा रहा हूं, अब बताओ CH3 के ऊपर CH3 सुपरइंपोज करेगा, इस CH3 के ऊपर ये CH3 आएगा, बट सर इसके राइट साइड पे Br है और इसके राइट साइड पे H है, ये आपस में सुपरइंपोज नहीं करेगा, ये आपस में सुपरइंपोज नहीं करेगा, ये मिरर इमेजेस हैं और आपस में क्या है नॉन सुपरइंपोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, दैट मींस दे एग्जिस्ट इन एनेंशियोमेरिक फॉर्म, दे बिहेव एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे एग्जिस्ट इन एनेंशियोमेरिक फॉर्म, इफ वन ऑफ द फॉर्म इज डीफॉर्म देन द अदर फॉर्म इज, इफ वन इज नेक्स्ट टू अदर इज लेवो, इफ वन इज नेक्स्ट टू अदर इज लेवो, कुल मिला के यहां पे जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे सर, प्रोडक्ट में आपका बनेगा प्लस माइनस बीएल, प्लस माइनस बीएल, प्लस माइनस एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लेवो, कॉन्फिगरेशन भी साथ में लिख दी मैंने, एक प्लस माइनस डी और एल, डेक्स्ट्रो और लेवो, डेक्स्ट्रो और दोनों में अंतर होता है, प्लस माइनस और डी और एल अलग, या बायोमोलिकल्स में भी पढ़ते हो, ठीक है ना, एक कॉन्फिगरेशन बताएगा एक ऑप्टिकल एक्टिविटी बताएगा, एक कॉन्फिगरेशन और दूसरा ऑप्टिकल एक्टिविटी, डी और एल फॉर्म बनेगा। अच्छा बताइए जब आपके डी और एल फॉर्म बने, या आपने इससे पहले भी पढ़ा, इससे आगे भी पढ़ोगे, एस एन वन में पढ़ोगे आप, SN1 में पढ़ते हो, जब D और L बने, जब दोनों फॉर्म्स हों, इसका मतलब रेसिपिक मिक्सचर बना, क्या बना? रेसिपिक मिक्सचर बना, ठीक, दो आइसोमर्स बन रहे, कुल मिलाके बनेगा रेसिपिक, रेसिपिक मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखो मैं इसको जोड़ के सर सिंपल कर देता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं सिंपली कार, सिंपली मैं कार लिख लेता हूं, ठीक है, और बहुत अच्छी बुक से भी लिखा रहता है इजी करने के लिए, सी आर कार या वैसे बना सकते हो, मतलब जब सिस एल्कीन होगा, सिस एल्कीन में अगर Br2 और CCl4 के साथ ट्रीट कर दूं, एंटी एडिशन होगा, और एंटी एडिशन के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसिपिक मिक्सचर होगा, रेसिपिक मिक्सचर का मतलब एक डी फॉर्म बनेगा, एक एल फॉर्म बनेगा, कुल मिला के कितने आइसोमर्स, दो, कुल मिला के कितने फॉर्म्स, दो, ये दो है, ध्यान देना, तो यहां पे बनेंगे दो स्टीरियो आइसोमर्स, टू स्टीरियो आइसोमर्स, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, दो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, दो स्टीरियो आइसोमर्स, सिस ए इज एंटी एडिशन एंड आर इज रेसिपिक मिक्सचर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब मैं सबस्ट्रेट को बदल दूं, and now let us suppose that the substrate is trans, now let's say substrate is trans, बन गया trans, same ही है, ये same ही है, so this is trans but 2e, right, this is trans but 2e, अच्छा cis और trans का मैंने एक और नॉमन लेक्चर भी बताया, बहुत अच्छे, बताइए cis trans को क्या बोलते हैं, e and e, ठीक है ना, trans, antigen, trans, ये E आइसोमर और ये कौन सा आइसोमर, रेसमन, सेम सेम आइसोमर, सिस आइसोमर, ठीक है। अब वापस इस पे मैं क्या ऐड कर रहा हूं, Br2 CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, अब कहानी उल्टी होगी, पहले कौन सा एडिशन हो रहा,
एंटी एडिशन, पहले कौन सा एडिशन, एंटी एडिशन हो रहा था, ठीक है ना, ध्यान देना, पहले एंटी एडिशन, एंटी एडिशन इसलिए हो रहा था क्योंकि दोनों ग्रुप एक साइड है, ध्यान देना, दोनों ग्रुप एक साइड है तो रिपल्शन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, वो बात की बात है ऐसा क्यों हुआ, बट ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट बात, एंटी एडिशन हो रहा था। अब इधर कौन सा होगा, सिन एडिशन, कौन सा एडिशन, सिन एडिशन, दो ही तरह के एडिशन होते हैं आपके, ठीक है ना, सिर्फ जनरली दो ही तरह के, जनरल ये वाले राइट, रेट्रो अटैक भी होता है लेकिन वाला नहीं होता है। सो एंटी एडिशन एंड सिन एडिशन, एंटी एडिशन है, सिन एडिशन का मतलब सेम साइड पे एडिशन, सेम साइड पे, अगर अगर मैं फिशर बनाऊं, अगर मैं फिशर बनाऊं सर, फिशर में क्या होगा, अगर पहला बीआर राइट साइड में है तो दूसरा भी, अगर पहला लेफ्ट साइड में है तो दूसरा भी लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए इस हिसाब से, दिस इज CH3 एंड दिस इज द लास्ट CH3। अब कार्बन नंबर सेकंड पे मान लो बीआर मैंने इधर ऐड कर दिया तो इधर क्या रहेगा, हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरे वाले भी बीआर, दूसरे वाले भी बीआर कहां पे ऐड करूंगा, सेम साइड पे, क्योंकि सेम एडिशन था, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एच रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसका दूसरा फॉर्म बना, मेरे को पता है अगर मैं दूसरा फॉर्म बना और दोनों बीआर लेफ्ट साइड पर रखू, दोनों बीआर कहां पे रखू, लेफ्ट साइड पे रखू, सर ये दोनों चीजें सेम, ये दोनों फॉर्म सेम है, ध्यान देना, ये दोनों के दोनों फॉर्म सेम है, ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं होंगे, दोनों फॉर्म सेम होंगे, दोनों फॉर्म क्या होंगे, इसका मतलब इसमें सिर्फ कितना बनेगा, एक, कुल मिलाकर सिर्फ एक बनेगा, यही जो है, सो एक स्टीरियो आइसोमर, इसमें बनेगा एक स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने, टोटल स्टीरियो आइसोमर इस वाले में दो, इस वाले में, तो अगर मैं सिंपली ये लिखता कि बताइए ब्यूट टू इन पे बीआर टू के साथ ट्रीट करने पे सीसीएल फोर की प्रेजेंस में कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनते, तो आंसर तो तीन आता, कितना आता, तीन, लेकिन उसका सिस फॉर्म कितना देगा और ट्रांसफॉर्म कितना देगा, एक। आप देखो एक और बात, एक और जबरदस्त बात सर, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट मिसोफॉर्म है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, मिसोफॉर्म है, ठीक है ना, अब देखने में लग रहा होगा, तो मान लो देखने में लग रहा होगा, इसका मिरर इमेज बनाओ, इमेजिन करना दिमाग में, इसके दो भी आप तो राइट पे दिखने, अगर लेफ्ट पे दिखेंगे तो दिमाग में ऐसी बात हो सकती है, हाँ सर ये भी तो मिरर इमेजेस है और ये भी तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, इसमें कहानी कुछ हो रहा है, इसमें सिमेट्री एलिमेंट है, देखिए इसमें सिमेट्री एलिमेंट कैसे होगा, बताइए इधर से मैं इसमें सिमेट्री एलिमेंट पास करूं, अगर यहां से मैं सिमेट्री एलिमेंट पास करूं, मतलब इधर से मैं इसको बाइसेक्ट करूं, इधर से मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, इस इधर से प्लेन पास कर रहा हूं और इसको बाइसेक्ट कर दूंगा, बताइए जब मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा, यहां से मैं प्लेन पास कर रहा हूं, इमेजिन करना, यहां से मैं प्लेन पास कर रहा हूं, इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा, बताइए क्या ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग की तरह नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, जब ऐसा हो कि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन पास कर रहे हैं, ये तो सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, और भी सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी हो जाता है, अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूं और प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने पे आपका मॉलिक्यूल बिल्कुल दो पार्ट्स आपस में रिफ्लेक्ट करें, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, दोनों पार्ट आपस में रिफ्लेक्ट करें, सेम सच टाइप इज नोन एज मिसोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड मिसोफॉर्म और मेसोफॉर्म, जैसा भी आप पढ़ना चाहो, दिस इज मिसोफॉर्म, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे मिसोफॉर्म, क्या बोल देते हैं इसको, मिसोफॉर्म, ठीक है, क्या बोल देंगे, मिसोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, याद रखना, मिसोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के आप जनरली दो क्राइटेरिया पढ़ते हो, एक काइरलिटी और एक एनेंशियोमेरिज्म, जब ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते हो तो दो क्राइटेरिया मेजर पढ़ते हो, वन इज काइरलिटी, अनदर वन इज एनेंशियोमेरिज्म, ठीक है, नाउ दिस कंपाउंड इज काइरल, नो डाउट दिस इज काइरल, बताइए ये कार्बन सेंटर, बताइए सर इस कार्बन सेंटर के साथ चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, दिस इज काइरल सेंटर, दिस सेंटर इज आल्सो काइरल, सो इट मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ symmetry because of plane of symmetry because of internal compensation, this is also called internal compensation, ke plane pass karne pe do equal bhag aapko dikhe, do equal half aapko dikhe, do parts aapas mein reflect kare, aise compounds mein plane of symmetry hone ke karan inko hum mesoform bolte hain, aur ye optically inactive, bahut important baat hai, optically inactive honge, ye optically inactive honge, iska matlab ye sir main isko d aur l form mein nahi likhunga, isko main d aur l form mein नहीं लिखूंगा, तो बताइए ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स कितने बनेंगे, सिर्फ दो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने बनेंगे, लेकिन टोटल स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स कितने बनेंगे, तीन बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके स्टीरियो आइसोमर्स में डायस्टीरियोमर्स भी आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, डायस्टीरियोमर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, ये वो फॉर्म है, ये आ गया आपका मिसोफॉर्म, कौन सा फॉर्म, मिसोफॉर्म, बहुत टॉप कॉन्सेप्ट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी बता रहा हूं मैं एक बात, क्या क्या मैंने सिस ब्यूट टूइन लिया सर, इस सिस ब्यूट टू इन को मैंने ट्रीट कर दिया, वी हैव टू ट्रीट दिस सिस ब्यूट टू इन विद बीआर टू इन प्रेजेंस ऑफ सीसीएल4, नाउ सिंस द सबस्ट्रेट इज सिस, द एंटी एडिशन टेक्स प्लेस एंड ड्यू टू द एंटी एडिशन द टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, सो वन फॉर्म इज डी फॉर्म, अनदर फॉर्म इज
L form, ठीक है? If BR on second position is present on right side, then on the third position it will be present on left side. आप इसको दूसरी फॉर्म में भी बना सकते हो. देखिए, अगर आप इस फॉर्म में इसको बनाना चाहें, अगर आप इसको साहोर्स में बनाना चाहें, तो आप साहोर्स में भी इसको बना सकते हैं. देखो, बताइए. एक बी आर है वो दिखने, दूसरा बी आर बिलो दिखने, वही तो क्या मैंने यहाँ पे एक राइट पे तो लेफ्ट पे, ठीक है? प्लस दूसरी फॉर्म बताइए, सेम दूसरी फॉर्म भी सेम. अब इस वाले को एबोधी प्लेन ले लेता हूँ, इस वाले को एबोधी प्लेन और इस वाले को रख लेता हूँ मैं बिलो, ठीक है ना? दो फॉर्म्स बनेंगे. अगर ये डी फॉर्म है तो ये एल फॉर्म होगा, सही है? दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, सेम ही है. फिर बता दूंगा ये सेम नहीं है, इनके कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है. ये दिखने में सेम लग रहे होंगे, कोई ऐसा सोचे सर ये तो लग रहा है सेम ही है, ये सेम नहीं है. इसमें कॉन्फिगरेशन अलग है, इसमें कॉन्फिगरेशन अलग है. अब R और S फाइंड आउट करने बैठोगे, इनमें R और S देखोगे, दोनों में कॉन्फिगरेशन अलग होगा, दोनों में कॉन्फिगरेशन अलग हो गया, दोनों डिफरेंट फॉर्म्स हैं. तो दोनों की दोनों फॉर्म आपस में क्या है? एनेंशियोमर्स. दोनों आपस में क्या है? एनेंशियोमर्स. दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव एनेंशियोमर्स होंगे, ठीक है? अच्छा, इस फॉर्म को अगर मैं बनाना चाहूँ, इस मेसो फॉर्म को मैं बनाना चाहूँ, बताइए मेसो फॉर्म कैसा बनेगा? सर कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से फॉर्म बनेगा. बताइए, अगर ये बी आर यहाँ है तो दूसरा बी आर यहाँ पे, और दोनों के दोनों, दोनों के दोनों सेम साइड है, सिन हो रहा है, सिन एडिशन है, सिन एडिशन का मतलब दोनों सेम साइड, दोनों, इसका ये मतलब नहीं दोनों सेम कार्बन पे, नहीं कार्बन पे तो डिफरेंट ऐड होंगे, लेकिन दोनों सेम साइड पे होंगे. अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये भी, अगर अगला वाला एबो द प्लेन है तो ये भी एबो द प्लेन, ठीक है? लेकिन वो दोनों फॉर्म सेम होंगे. क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होगा? दोनों में सिमेट्री एलिमेंट होगा. बताइए, यहां से तोड़ दो इसको, यहां से मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूं, यहां से पीओएस पास करूं मैं, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किया, ये भाग को डिवाइड कर देगा, दोनों का कॉन्फिगरेशन सेम होगा, इंटरनल कॉम्पेंसेशन होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. सो सिस ब्यूट टू इन ऑन ट्रीटमेंट विद बीआर टू इन प्रेजेंस ऑफ सीसीएल 4 इट विल अंडरगो एंटी एडिशन एंड टू स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, टू एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, वन इज डी फॉर्म एंड अनदर वन इज एल फॉर्म. सिंस बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल परसेंटेज, दैट मींस अ रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म, अ रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म, ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछूं, सुनना ध्यान से, मैं ये पूछूं कि इसमें ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा या नहीं, ओवरऑल पूरे में ओवरऑल, सर जब रेसिमिक मिक्सचर बने तो ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो होता है, ध्यान देना. जब रेसिमिक मिक्सचर बने, एक भाग आपका डी है, दूसरा भाग आपका एल है, सो वन ऑफ द एनेंशियोमेरिक फॉर्म इज रोटेटिंग पीपीएल टुवर्ड्स राइट एंड वन अनदर इज रोटेटिंग पीपीएल टुवर्ड्स लेफ्ट, इसमें टोटल ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो होगा, टोटल ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो होगा, ध्यान देना. इसमें टोटल ऑप्टिकल एक्टिविटी कितना होगा? जीरो. लेकिन अलग अलग कर दो तो इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन पूरे रेसिमिक मिक्सचर की बात करो तो शून्य, जीरो, ठीक है? और मेसो में तो वैसे नहीं होता, मेसो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्लेनर सिमेट्री, पीओएस. दिस इज, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको, अगर इतना चाहो, इंटरनल कॉम्पेंसेशन. दिस इज कॉल्ड इंटरनल कॉम्पेंसेशन, इंटरनल कॉम्पेंसेशन. इसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है? पिछले वाले को मिटा दूंगा. अच्छा, इस अनसैचुरेशन में एक और टेस्ट भी होता है, याद हो तो याद में पढ़ा हो. अनसैचुरेशन के लिए एक और टेस्ट भी होता है, बेयर्स रिएजेंट का टेस्ट, उसको बेयर्स टेस्ट बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट का. एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, सेम कहानी होती है, वेल्किन में पढ़ लेंगे, वेल्किन में पढ़ लेंगे, सेम कहानी. एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, सेम स्टोरी करता. जरा बता, जरा बताना, थोड़ा याद हो, अगर याद हो अगर थोड़ा बताना, मैं ऐसा लिखूं, इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी है तो याद हो गया. एल्कलाइन डाइल्यूट फॉर्म KMnO4 का, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है? ये कलर सेम कहानी, ये कलर होता है, इसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं. दिस एल्कलाइन KMnO4, दिस कोल्ड डाइल्यूटेड, दिस कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट, ठीक है? जरा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? लग तो वही रहा है, ठीक है ना? लग तो वही रहा है, ठीक है, जो इस बार सवाल था कि सर डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और ऑक्सीडाइज कर दिया, एक पार्ट को कार्बोनाइल ग्रुप लगा लिया, दूसरे में भी कार्बोनाइल ग्रुप लगा लिया, वो तब होता है जब एसिडिक हो, जिस बार नीट में सवाल था ना, इस नीट में जो सवाल था, उधर जो एल्केमेनो फोर लिख के दिया था, साथ में एच पॉजिटिव भी लिखा था, एसिडिक, दोनों में फर्क होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखिए मैं सेम लग रहा है सर, ये भी केमेनो फोर, वो भी केमेनो फोर, लेकिन दोनों में अंतर होता है. ये केमेनो फोर अब डी ब्लॉक में भी पढ़ते हो, एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन अलग, डिफर करता है, ये दोनों रिएक्शंस में. जब ये एल्कलाइन मीडियम में होता है ना, तब डाइहाइड्रोक्सिलेशन करवाता है, हाइड्रोक्सिलेशन,
XYLATL hydroxylation. तब क्या करवाता है? Dihydroxylation, that to sin dihydroxylation. Stereochemistry की बात कर लूँ मैं तो. Dihydroxylation मतलब कुछ नहीं है. Basically एक कहानी मैंने अधूरी रखी थी, जहाँ पे water भी होता है, यहाँ पे water भी होता है, ठीक है. और alkaline क्या मतलब? For आप oxidizing agent है, एक oxygen दे देता है. तो यहाँ से कुल मिला के दो OH, एक OH इधर, एक OH इधर. That is why dihydroxylation. दो OH ऐड में कुछ नहीं होता. देखो इस तरीके से होगा reaction. ये ऐसे एक OH इधर ऐड होगा और एक OH इधर ऐड होगा. मतलब ये क्या बनेगा? ये बनेगा विस डाइओल, राइट और रॉन्ग? दिस इज विस, विसिनल है ना, और साथ में क्या है? डाइओल. ये अल्कोहल में भी पढ़ेंगे, एल्कीन में भी पढ़ेंगे, और इसके रिएक्शन में भी पढ़ेंगे. तीन जगह पे पढ़ा जाता है, तीन जगह पे पढ़ा जाता है. ध्यान रखना इस पे जब एल्कलाइन, ये कौन याद रखना, कोल्ड डाइल्यूटेड एल्कलाइन क्या बनना, फोर. अगर कोल्ड ना होता तो कहानी कुछ और होती, कोल्ड ना होता तो कहानी कुछ और होती. अभी डाइल्यूटेड एल्कलाइन एसिडिक होता तो कहानी कुछ और होती, ठीक है ना. इसको बेयर एजेंट बोलते हैं. ये करवाता है सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन. ये भी सेम टेस्ट है. ऐसा कैसे? सर ये जो बेयर एजेंट है ये कलर्ड होता है, और जब इस पे एल्कीन का एडिशन हो, एल्कीन को इसके साथ ट्रीट करें, तो इसका कलर डिकलराइज हो जाता है. क्या हो जाता है? डिकलर. समझ में आ जाता है जो सबस्ट्रेट पर क्या था, एल्कीन था. चलिए बात की बात, इसको नाम लिखने कोई बात नहीं, या रिएजेंट्स में भी देख लेंगे, या रिएजेंट केमिस्ट्री में भी हम ये चीज देखेंगे, ठीक है ना. ये वाली चीज समझ में आई, इसको याद रखना, ठीक है. वापस बताओ एक बार जल्दी से, अगर हमारे पास ब्यूटा 1,3 डाइईन होगा और हाई टेंपरेचर होगा, कौन सा एडिशन होगा? HBr के साथ ट्रीट करने का 1,4 एडिशन. कौन सा एडिशन? अगर लो टेंपरेचर होगा तो 1,2 एडिशन. कौन सा एडिशन? 1,2, ठीक है. अगर आपके पास सिस एल्कीन है और HBr के साथ ट्रीट कर रहे हो CCl4 की प्रेजेंस में, कौन सा एडिशन होगा? एंटी एडिशन. कौन सा एडिशन? एंटी एडिशन. और प्रोडक्ट कैसा बनेगा? रैसिमिक मिक्सचर. कितने एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स? दो फॉर्म्स बनेंगे, डी और एल फॉर्म. डी और एल फॉर्म, दो स्टीरियो आइसोमर्स. कितने स्टीरियो आइसोमर्स? दो स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है. और अगर ट्रांसफॉर्म होगा तो ट्रांसफॉर्म में सिर्फ एक ही फॉर्म बनेगा, दैट इज मेसोफॉर्म. और मेसोफॉर्म जैसा भी नाम लेना चाहो, मेसोफॉर्म इसमें प्लेनर सिमेट्री में होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. इससे याद रखना, इसको इतना याद रखना, पूरी कहानी याद हो जाएगी. CAR याद रखना, सिस एंटी एडिशन होगा, रेसिमिक बनेगा. तो इसमें जो बचा बोल, इसमें क्या बचा बताइए? ट्रांस में सिन एडिशन होगा और क्या बनेगा? मेसोफॉर्म. TSM, TSM याद रख सकते हो कि ट्रांस में सिन एडिशन होगा और मेसोफॉर्म बनेगा. ओके, बेटा उसको ओके. अच्छा, अब अगर आपके पास सिमिलरली एल्कीन्स ही दिए हो बट सर परोक्साइड दे रखा हो, अब रिएक्शन में अगर परोक्साइड का यूज कर दे तो बताइए पूरी कहानी बदल जाती है. अगर परोक्साइड यूज ना करे और एल्कीन्स को HBr के साथ ट्रीट करे या HCl के साथ ट्रीट करे, तो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जाता है? रिएक्शन गोज बाय कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म. किस मैकेनिज्म से? कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से. और कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिकोव्स रूल. मार्कोनिकोव्स. लेकिन अगर परोक्साइड हो तो सर पूरा का पूरा मैकेनिज्म बदल जाता है, और मैकेनिज्म हो जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. कौन सा मैकेनिज्म? पूरी मैकेनिज्म पे कहानियां हैं, ध्यान देना. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. और उस टाइम पे जो रूल लगता है, दैट इज एंटी मार्कोनिकोव्स रूल और खराश इफेक्ट और परोक्साइड इफेक्ट, ठीक है ना. तीन नामों से उसको जाना जाता है, खराश इफेक्ट, परोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल. बट दैट एंटी मार्कोनिकोव्स रूल is applicable only if HX is HBr. याद रखना इसको. आपके पास सिर्फ HBr के केस में रूल लगता है, उसके अलावा किसी में नहीं लगता, ठीक है ना. साथ में लिख दूंगा ऐसा क्यों, देखिएगा ध्यान से. if peroxide is present, अगर आपके पास क्या होगा, substrate में peroxide होगा, ठीक है जी, जिसको आप treat करवा रहे हो, same reaction. alkene आपके पास given होगा, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपल सा, ये मैंने एल्कीन बना दिया, बताइए नाम क्या आएगा? दिस इज ब्यूट 1-ene, राइट, दिस इज ब्यूट 1-ene, ठीक है. किसके साथ ट्रीट कर रहा हूं मैं? सिर्फ मैं कर सकता हूं HBr के साथ, और किसकी प्रेजेंस में? परोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना. मान लो परोक्साइड मैं लिख लेता हूं, मान लो मैंने ऐसा लिख लिया, ये परोक्साइड लिख दिया मैंने, ठीक है ना, परोक्साइड लिख दिया मैंने. इसमें ओ लिंकेज होगा, इसमें ओ लिंकेज प्रेजेंट होगा, परोक्साइड है. अच्छा, जब परोक्साइड की प्रेजेंस में मैं HBr को ऐड करूंगा, जो इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखनी, वो क्या है? पहली बात, किस मैकेनिज्म से जाएगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ठीक है, रिएक्शन जाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. और जो रूल लगेगा उसको हम क्या बोल देते हैं? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल. मैं शॉर्ट में लिखा हूं एंटी मार्को रूल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? खराश इफेक्ट, या इसी को हम बोलते हैं परोक्साइड इफेक्ट. इसी को हम क्या बोल देते हैं? परोक्साइड इफेक्ट, ठीक है. करेगा कैसे काम, देखना काम कैसे करता है. जब मैं सिंपली एल्कीन हूं और परोक्साइड ना हूं और HBr हूं, सर उस टाइम पे सबसे पहला अटैक करने वाला H पॉजिटिव होता है,
तो कौन सा रिएक्शन होगा मैंने बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मार्कोनिको फ्लोर में मैंने तीन चीजें लिखवाई थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, ठीक है ना, और मार्कोनिको फ्लोर खुद। तो ये जो आपके पास होगा फ्री रेडिकल के थ्रू जा रहा है, इसमें क्या होता है सर, ये जो परोक्साइड प्रेजेंट है, ये जो परोक्साइड आपके पास प्रेजेंट है, चाहे ऑर्गेनिक परोक्साइड है या इनऑर्गेनिक परोक्साइड हो, ये जो परोक्साइड प्रेजेंट है, ये परोक्साइड रेडिकल जनरेट करता है। क्या करता है रेडिकल, मोटी कहानी बता रहा हूं, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा, रेडिकल जनरेशन होता है, पहले स्टेप इनिशिएशन होता है। जब भी रेडिकल से प्रोडक्शन होता है हमेशा तीन स्टेप्स में, पहला इनिशिएशन, उसके बाद प्रोपोगेशन, फिर टर्मिनेशन। पहला इनिशिएशन होगा, मतलब ये पूरा क्या बना है सर, रेडिकल जनरेट करेंगे, वैसे रेडिकल बना रहा हूं, लेट्स से आर रेडिकल बन गया, क्या बन गया, आर रेडिकल बन गया। अच्छा जैसे ही आर रेडिकल बनेगा, होमोलिटिक क्लीवेज से बनेगा, ये आर रेडिकल जाकर अटैक करता है एचबीआर पे। सबसे पहले किस पे अटैक करता है, एचबीआर पे अटैक करता है, और एचबीआर पे अटैक करने के बाद ये आर एच के साथ जुड़ता है। दो आपको ये पता है कि जब भी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, सब अनगिनत पॉसिबिलिटीज होती है। जो आप कर रहे हो जरूरी नहीं वही, जो आप कर रहे हो जरूरी नहीं वो, ठीक है ना। देखा वुड्स में भी पढ़ते हो, जब वुड्स रिएक्शन पढ़ते हो ना, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, अब जनरली ये पढ़ते हो कि जब आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, उस टाइम पे वुड्स प्रेफर नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि सर उस टाइम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, उस टाइम पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, एक से ज्यादा रेडिकल्स की पॉसिबिलिटी। अब जरूरी थोड़ी ना मैं इसको एच के साथ कंबाइन करूं, जरूरी थोड़ी इसके साथ जुड़े, हो सकता बीआर जुड़ जाए, हो सकता बीआर जुड़ जाए, ठीक है ना। बट हम मैकेनिज्म लेके चल रहे हैं अभी, वही जो आपने को पढ़ना, अदरवाइज रेडिकल्स में पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है, ठीक है। बताइए प्लस क्या जनरेट होगा साथ में, बस इतनी सी, इतना सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब हम मार्कोनिको फ्लोर लगाएंगे, पहला अटैक करने वाला स्पीशी एच पॉजिटिव, और जब एंटी मार्कोनिको फ्लोर लगाएंगे तो पहला अटैक करने वाला स्पीशी बीआर रेडिकल। याद रखना इसको, पहला अटैक करने वाला स्पीशी बीआर रेडिकल, मार्कोनिको में पहला अटैक करने वाला एच पॉजिटिव, और एंटी मार्कोनिको में पहला अटैक करने वाला बीआर रेडिकल। बताइए बीआर रेडिकल, बीआर रेडिकल के पास कितने ऑप्शन है अटैक करने के लिए, दो। सेम कहानी सर, या तो ये, या तो कार्बन वन, या तो कार्बन टू, ठीक है। अब बताना ध्यान से, इधर बता रहा हूं पॉसिबिलिटीज। इफ कार्बन वन इज अटैक, अगर कार्बन वन पे अटैक हो जाए, अगर कार्बन वन पे अटैक हो जाए, तो ये बीआर रेडिकल जब कार्बन वन पे अटैक करेगा, ये बीआर रेडिकल, ऐसा समझ लो इसको, इतना लिख लेता हूं मैं, ये बीआर रेडिकल जब कार्बन वन पे अटैक करे, मुझे पता है इस बीआर के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन सर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के एक और इलेक्ट्रॉन तो चाहिए इसको। जब एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये बॉन्ड कैसे क्लिप करेगा, होमोलिटिकली एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में शिफ्ट करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। बताइए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से सर, एक रेडिकल इधर बनेगा और एक रेडिकल इधर बनेगा, सही है ना। अब बीआर कहां पे अटैक कर रहा है, पहले वाले में कार्बन वन पे, अगर मैंने इधर अटैक करवाया, बताइए बीआर अपना रेडिकल लेके आएगा, इस कार्बन के रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इस रेडिकल को मैं हटा देता हूं, किसको जोड़ देता हूं, जोड़ दिया मैंने बीआर, लेकिन ये रेडिकल यहीं पे रहा, कौन सा डिग्री का रेडिकल बना है, 2 डिग्री का रेडिकल, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए, दूसरी पॉसिबिलिटी सर, ये रेडिकल यहां पे था, ये यहां पे था। अब बीआर किस पे अटैक करे, अगर बीआर कार्बन 2 पे अटैक करे, तो बताइए कार्बन 2 पे अटैक करने से इसका रेडिकल हटेगा, बीआर का रेडिकल आएगा, और आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बन गया ना, बॉन्ड, एक रेडिकल बीआर लेके आया, एक पहले से था बन गया बॉन्ड, ये रेडिकल यहीं पे रहा, ये कौन सा डिग्री का बन गया, 1 डिग्री का रेडिकल, कौन सा डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री का रेडिकल ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब ये वाला स्टेबल होगा, दिस वन इज मोस्ट स्टेबल, इन दोनों की तुलना में दिस वन इज मोस्ट स्टेबल, दिस वन इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है। और आपको ये पता है कि हमेशा इंटरमीडिएट के थ्रू जब भी प्रोडक्ट बनेगा, जो सबसे मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। तो बताइए प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा, ओवरऑल इंटरमीडिएट, ठीक है ना। अगर ये प्रोडक्ट बनाएगा, अब अटैक कौन करने आएगा, बीआर तो जुड़ गया, अब किसको जोड़ना है आपने, एच पॉजिटिव को, बताइए एच पॉजिटिव को नहीं जोड़ना, हमने एच रेडिकल को जोड़ना है ना, रेडिकल की बात हो रही है, एच रेडिकल को जोड़ना है। अब ये जो एच रेडिकल आएगा, अब ये एच रेडिकल कहां पे जुड़ेगा, ऑब्वियस इस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, ठीक है ना। बताइए क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, ये यहां पे बीआर था, सही है, और यहां पे क्या जुड़ेगा, एच जुड़ेगा, ठीक है। अगले वाले में बताइए, अगले वाले में बताइए, यहां पे बीआर था और यहां पे एच, ठीक है। बताइए ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, वन ब्रोमो, दिस इज वन ब्रोमो, वन ब्रोमो ब्यूटेन, राइट, दिस इज वन ब्रोमो ब्यूटेन, नीचे वाला 2 bromo, this is 2 bromo butane। अब मैं आता हूँ एंटी मार्क पे, देखना ध्यान से, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा, मेजर होगा, सही ना, मेजर होगा, ये मेजर प्रोडक्ट है, काम सुना, ये मेजर प्रोडक्ट है, कहानी में देखना अंतर कितना, लेकिन ये एंटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग है, एंटी के अकॉर्डिंग है। अगर यही एल्कीन पे मैं रिएक्शन, सुनना ध्यान से, अगर मैं एल्कीन ले लेता ये,
ये एल्केन बता, एल्केन ले लेता मैं, ये एल्केन लेता और इस पे मैं आपको ये बोल देता कि बताइए HCl के प्रेजेंस में Br का एडिशन करवा दीजिए, जो मैंने पहले भी करा बहुत सारे सेट्स में, बताइए तब मिक्सचर क्या बनता। मैंने कहा था डिग्री के हिसाब से देखना उस टाइम पे, तब मिक्सचर क्या बनता सर, ये मिक्सचर बनता राइट और रॉन्ग। लेकिन अभी एंटी मार्कोनी के रूल के हिसाब से कौन सा मिक्सचर बन रहा है, ये वाला मिक्सचर बन रहा है, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। अब सुनना ध्यान से, परोक्साइड के केस में होगा अदरवाइज ऐसा नहीं होता, अदरवाइज वही प्रोडक्ट बनता ऊपर वाला जो स्टेबल था, ठीक है। एंटी मार्क क्या बोलता है आपको बताएं, सर मार्क तो ये बोलता है the negative part of addendum will goes with that carbon atom of doubly bonded alkene which contain lesser number of hydrogen and according to anti-Mark rule this negative portion will get attached to that carbon center of doubly bonded alkene which contain higher number of hydrogen, larger number of hydrogen। तो बताइए इन दोनों में से ज्यादा hydrogen किसके पास थे, obviously terminal वाले के पास, इसके पास ज्यादा थे। देखिए कैसे, ये क्या था, this is CH2 then CH and double bond, यही था ना, बताओ इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, इसके पास कितना था, एक था। इसमें कोई रेडिकल में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, गलती मत करना, नो रीअरेंजमेंट, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट जैसा किसमें होता था, जैसा रीअरेंजमेंट किसमें होता था, कार्बन कैटायन में, इसमें कोई 1-2 मिथाइल शिफ्ट नहीं, कोई रेडिकल शिफ्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जिधर ऐड हो रहा उधर ही ऐड करो, ठीक है। बताइए इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे तो एंटी मार्क के अकॉर्डिंग बीआर की तरफ जुड़ना चाहिए था इधर ही, और जोड़ा भी हमने उधर ही, देखो लास्ट वाले भी जोड़ा है मैंने, लास्ट वाले भी जोड़ रखा है, यही मेजर प्रोडक्ट बन रहा है अपना, एंटी मार्क प्रोडक्ट, यही मेजर प्रोडक्ट है, एंटी मार्क प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, एंटी मार्क होने का फूल का होने। ऐसा क्यों, क्योंकि सर बीच में जो रेडिकल जनरेट होगा ना यहाँ पे, वो रेडिकल कौन सा डिग्री का था, 2 डिग्री का, दैट इज व्हाई ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो एंटी प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो बहुत सिंपल सी बात है, तो एंटी मार्क होने का फूल के अकॉर्डिंग कहां भी जाके नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जैसा प्रोडक्ट दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही हम बना देंगे, ठीक है। तो यह जाएगा आपका एंटी मार्क एडिशन, सिंपल तरीके से बेटा लिखना, तब तक मैं सवाल देख लेता हूं, पूछिए तो परोक्साइड रखा है, ओओ लीकेज रखा है, आर ओ ओ आर ओ लीकेज रखा है, ए बी ओ सी प्रोडक्ट का मैंने ध्यान से पहला बनेगा 2-chloro-butane, पहला बनेगा 2-chloro-butane, ओके कौन सा रूल लगाया, ये बना कौन सा, ये बना और कौन सा रूल लगाया, मार्क एंटी मार्क, मार्क लगेगा क्यों, क्योंकि HCl है, क्योंकि HCl है, एंटी मार्क सब किधर लगता है, चाहे परोक्साइड हो या ना हो, मैंने ऊपर परोक्साइड दिया था लेकिन इसे धोखा मत खाना, परोक्साइड रखा तो कहीं एंटी मार्क होने को प्रूफ तो नहीं लगना, एंटी मार्क होने को सिर्फ HBr में लगता है, सिर्फ HBr एंटी मार्क होने को, ऐसा क्यों मैं लिखने वाला, ऐसा क्यों मैं बताने वाला, ठीक है ना। HCl था साथ में मैंने परोक्साइड लिया, लिखा था सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि सर HCl तो सिर्फ मार्क होने को एडिशन होगा और मार्क होने को क्या अकॉर्डिंग
कम हाइड्रोजन वाले में, क्योंकि इससे ज्यादा कार्बोन आयन तो बन नहीं रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो जैसा बन रहा वैसे बना देंगे। अच्छा दूसरे वाले में सिंपली इसमें तो सेम ही है, टू ब्रोमो ब्यूटेन, सेम टू ब्रोमो ब्यूटेन, मार्कोनी को फूल के अकॉर्डिंग कम हाइड्रोजन वालों में जुड़ेगा, ठीक है। अब इधर क्या रखा, सब परोक्साइड है, और HBr भी, तो कौन सा रूप लगना, परोक्साइड इफेक्ट लगना है, इधर तो परोक्साइड इफेक्ट लगेगा, ठीक है ना। और जब परोक्साइड अपना इफेक्ट दिखाएगा तो मोर स्टेबल रेडिकल ही जनरेट होना चाहिए, और जब मोर स्टेबल रेडिकल जनरेट होगा तो ये जो Br है ये कहां जाके जुड़ेगा, ये वहां जाके जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन, और ज्यादा हाइड्रोजन कहां होंगे, यहां पे ऑब्वियसली, ठीक है ना, यहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा कोई, तो ये Br जुड़ेगा यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन पे, और ये H जुड़ेगा यहां पे, ठीक है। मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, लिखा मैंने सिर्फ इनिशिएशन बताया, प्रोपोगेशन स्टेप्स भी होते हैं जो मैंने यहाँ बताया, देखिए ये प्रोपोगेशन स्टेप है, जब इस सबस्ट्रेट पे अटैक होगा बीआर रेडिकल का और उसके बाद आके एच रेडिकल अटैक करेगा, ये प्रोपोगेशन वाला स्टेप, दो प्रोपोगेशन स्टेप, कितने स्टेप, दो। पहला जब बीआर रेडिकल अटैक करेगा एल्कीन पे, बीआर रेडिकल अटैक करेगा एल्कीन पे, और दूसरा जब एच रेडिकल अटैक करेगा इस अपने वाले जो रेडिकल बचा होगा इस वाले पे, इस वाले पे जब अटैक करेगा, कितने प्रोपोगेशन स्टेप्स, दो स्टेप्स। और सर एचबीआर की केस में, एचबीआर के केस में, सिर्फ एचबीआर के केस में, सिर्फ एचबीआर के केस में बोथ द प्रोपोगेशन स्टेप्स आर एक्सेप्टेबल, both the propagation steps are exothermic, both the propagation steps are exothermic, that means delta H kitna negative, yaad rakhna value yaad rakhni hai aapko, ye yaad rakhna negative hai, lekin iske alawa hf hcl aur hi ke cases mein, in teeno cases mein one of the step is endothermic, one of the step is एक्सोथर्मिक, ध्यान देना ये ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन की, ये इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है, अदरवाइज किसी सॉल्वेंट में रिएक्शन नहीं हो रहा, ड्राइविंग फोर्स क्या है, दैट बोथ दी स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, बोथ दी स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, लेकिन अगर इनमें से एक स्टेप एंडोथर्मिक हो सर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा, या तो ये बैकवर्ड चला जाएगा या तो रिवर्स हो जाएगा या प्रोसीड ही नहीं करेगा, जब एक स्टेप कैसा हो एंडोथर्मिक हो, क्योंकि एंडोथर्मिक में एनर्जी मांगेगा, अपन एनर्जी दे देंगे, हो सकता बॉन्ड टूट जाए, हो सकता है बॉन्ड टूट जाए तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। सो ओनली HBr गिव्स एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, व्हाई ओनली HBr गिव्स एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, सो बिकॉज़ इन केस ऑफ HBr बोथ दी स्टेप्स आर, बोथ प्रोपगेशन स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, बोथ प्रोपगेशन स्टेप्स आर, व्हेयरएज इन अदर हैलोजन एसिड्स वन ऑफ द स्टेप इज एंडो एंड वन ऑफ द स्टेप इज एक्सो, दैट इज व्हाई वो एंटी मार्क एडिशन नहीं देता, मैंने करो यहां पे नो एंटी मार्क एडिशन या नो परोक्साइड इफेक्ट, यहां पे कोई भी परोक्साइड इफेक्ट नहीं होगा, चाहे परोक्साइड प्रेजेंट हो या प्रेजेंट ना हो, ये फिर भी किसके थ्रू जाएगा, मार्कोनिक ऑफ के थ्रू, फिर भी किसके थ्रू जाएगा, मार्कोनिक ऑफ के थ्रू ही जाना चाहेगा, ठीक है। बताइए क्लियर, अच्छा एक सीक्वेंस में सवाल बना दूं मैं, दो तीन स्टेप्स इन्वॉल्व करके, अब क्योंकि एल्कीन भी बीच में आ गए तो मैं स्टेप्स बना लेता हूं दो तीन करके, ठीक है। बढ़िया सवाल बना रहा हूँ, बढ़िया सा सवाल बना लेता हूँ, देखते हैं ना। ओके जिस बार मीट में आया था वही चीज घुमा रहा हूं वापस,
BH3THF नहीं देता, अल्कोहल मैंने पहले दे दिया, ठीक है, H2SO4 दे देता हूँ मैं, ठीक है, ओके, ए, ओके, यहाँ पे भी H
और ये हमारा डीएच है दोनों साइड से, ठीक है ना, इस साइड भी एच है और इस साइड भी एच है, समझना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इधर भी एच और इधर भी एच, इसका मतलब ये होगा सर मेरे पास दो संभावनाएं हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये, अगर इधर से मैं एच हटाऊं तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, और अगर इधर से हटाऊं तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बताइए पॉसिबिलिटी क्या लग रही है, अगर मैं इसको तोड़ू, इसको मैं ब्रेक करूं, इसको मैं ब्रेक करके हटाऊं, इसको मैं ब्रेक करके हटाऊं, सर बॉन्ड ब्रेक करना है, एच पॉजिटिव को हटाऊं, एच पॉजिटिव की फॉर्म में हटेगा, ठीक है, माइनस एच पॉजिटिव, तो बताइए ये बॉन्ड कहां पे शिफ्ट करेगा, इस वाले और इस वाले पे, ठीक है ना, इस वाले पे शिफ्ट करेगा, ये जो बॉन्ड आएगा सर, ये बॉन्ड जिस कार्बन पे था उधर तो रहेगा ही रहेगा, साथ वाले में इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे भी बनेगा, तो बताओ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे होगा, यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड, और एक साथ में क्या होगा CH3, एक तो ये बना सकता हूं मैं, दूसरा मैं क्या बना सकता हूं, इस H को हटा के इधर भी तो बना सकता हूं मैं, ठीक है ना, अब इनमें से कौन सा स्टेबल होगा ये कैसे पता चलेगा,